सबसे ज्यादा तैयारी अगर किसी चीज की जा रही है तो वह है 2024 का लोकसभा चुनाव। जैसा मैंने कई खबरों में कहा है और दोबारा इस बात को मैं दोहरा रही हूं कि चाहे वो बीजेपी हो, बीजेपी गठबंधन हो, या कांग्रेस हो, कांग्रेस गठबंधन हो, तमाम गठबंधन और गठबंधन के दल अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं कि किसी भी तरीके से हमें 2024 का रण जो है वो रणभूमि हमें पार करनी है किसी भी तरह से, चाहे उसके लिए हमें कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े। अब हो सकता है ना दोस्तों कि इंडिया गठबंधन को लेकर जिस तरीके का रिस्पॉन्स सामने आ रहा है, चाहे वो सर्वे में हो, चाहे फिर वो जमीनी स्तर पर हो, इंडिया गठबंधन एनडीए गठबंधन को मात दे सकता है, इसकी पूरी पूरी संभावना है। लेकिन वही वाली बात है जो कि बीते दिनों भी देखा गया और जो कि बाकी के पांच राज्य जो अभी हाल ही में चुनाव हुए, उन पांच राज्यों में जो चीज नजर आई है वो सबसे ज्यादा यही दिखी है कि आपस का सामंजस्य नहीं है, पार्टियों के अंदर जो फूट है वो चुनावी नतीजों में नजर आ गई। इसको रोकने के लिए तमाम विपक्षी दल हो उनको कहीं ना कहीं काम करना पड़ेगा। राहुल गांधी को लेकर दोबारा इस बात की चर्चा शुरू हो गई है कि राहुल गांधी दोनों ही मोर्चे संभालने के लिए तैयार हैं, यानी वो ये भी देखने के लिए तैयार हैं कि कहीं पार्टी में खटपट तो नहीं हो रही है और अगर हो रही है तो उसको कैसे संभाला जाए, और दूसरा मोर्चा, सबसे जरूरी मोर्चा, कि बीजेपी को जमीनी स्तर पर उतर कर कैसे मात दी जाए, कैसे उससे मुकाबला किया जाए। इन दोनों ही मोर्चों को राहुल गांधी बखूबी समझ रहे हैं और बखूबी संभालते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों इस बार राहुल गांधी ने क्या बयान दिया है इस खबर में मैं आपको बताऊंगी। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों राहुल गांधी इस वक्त फुल फॉर्म में है, राहुल गांधी पूरी तैयारी कर रहे हैं, 2024 का चुनाव किसी भी तरीके से इंडिया गठबंधन के खाते में आना चाहिए और देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बननी चाहिए, एनडीए गठबंधन की सरकार नहीं बननी चाहिए। बीजेपी को हराने के मूड में राहुल गांधी नजर आ रहे हैं और इसके लिए कांग्रेस जितनी भी कोशिश हो सके वो कर रही है, चाहे फिर वो न्याय यात्रा निकालने की बात हो जो कि बताया जा रहा है कि 14 तारीख से निकाली जाएगी, और चाहे फिर वो जमीनी स्तर पर लोगों से मुलाकात करने की बात हो, पहलवानों से मिलने की बात हो, हर स्तर पर मोर्चा अपना संभाल रहे राहुल गांधी। राहुल गांधी का एक बयान सामने आया है और उस बयान के बाद ये कहा जा रहा है कि राहुल ने अपनी पार्टी के साथ साथ दूसरी पार्टियों को, यानी दूसरे विपक्षी गठबंधन के दलों को भी संदेश दे दिया है कि पार्टी में खटपट आपका खेल बिगाड़ सकती है, आपकी पार्टी के अंदर खाने अगर कुछ गलत चल रहा है तो उसे आप संभालिए, नहीं तो बीजेपी उसका फायदा उठा सकती है। बयान क्या दिया है आपकी स्क्रीन पर इस वक्त उनका बयान है। दोस्तों साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी, अगर आप अनुशासन में नहीं रहते हैं, अगर आप अनुशासनहीनता अपनाते हैं तो उसको बर्दाश्त पार्टी में नहीं किया जाएगा। और ये जो संदेश है उनकी पार्टी में, ऐसा बताया जा रहा है कि ये जो उनका संदेश था ये सिद्धू को लेकर था, नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर था, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब में अपनी खुद की निजी मोर्चे पर यात्राएं निकाल रहे हैं, निजी मोर्चे पर अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो पार्टी ने उन्हें संदेश देने की कोशिश की है कि आप नेतृत्व को हल्का मत लीजिए, आपका जो आलाकमान है वो सब कुछ देख परख कर सब कुछ देख रहा है पहली बात तो, और कुछ भी उनसे छुपा नहीं है, नेतृत्व से कुछ भी छुपा नहीं है, इसलिए नेतृत्व को हल्के में ना लिया जाए, ये राहुल गांधी ने कहा है। राहुल गांधी का पूरा बयान आपको देखिए बता देते हैं। उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि अनुशासनहीनता जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और बिल्कुल कहा है उन्होंने कि जितने भी पार्टी के नेता हैं वो पार्टी नेतृत्व को किसी भी तरीके से हल्के में ना लें। जैसा ये खबर कहती है, मैंने जैसा आपको बताया भी कि पंजाब कांग्रेस में जो खटपट चल रही है, जो तकरार की खबरें सामने आ रही है दोस्तों, उसको लेकर सिद्धू को ये संदेश देने की कोशिश की है राहुल गांधी ने। हालांकि उनका ये जो संदेश है वो हर पार्टी को, इंडिया गठबंधन के हर दल को मान लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखेंगे दोस्तों बीते दिनों पांच राज्यों में जो चुनाव हुए, जैसा मैंने कहा, उस पांच राज्य के चुनाव में भी इंडिया गठबंधन को बेशक उम्मीद के मुताबिक रिजल्ट मिला हो, लेकिन वो जो रिजल्ट है उसमें कहीं ना कहीं खामी थी, बहुत खामी थी,
और वो खामी इसीलिए निकल कर सामने आई क्योंकि आपस में सामंजस्य नहीं था, टकराव था। अब आप कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का ही मामला देख लीजिएगा। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का मामला क्या चल रहा था? कमलनाथ ने अखिलेश यादव को अखिलेश वखिलेश कह दिया था। अखिलेश यादव सीधे तौर पर मोर्चा संभालने के लिए खड़े हो गए थे कि कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़कर दिखाऊंगा, और स्थानीय और छोटी पार्टी को कम ना आके, क्योंकि उनको मालूम है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का कितना वर्चस्व है। वहीं अगर बात की जाए पंजाब की, तो पंजाब में फिलहाल नवजोत सिंह सिद्धू इसलिए मोर्चा ऐसा संभाल रहे हैं, निजी तौर पर, प्राइवेट तौर पर रैलियां कर रहे हैं, अपना व्यक्तिगत तौर पर मोर्चा संभाल रहे हैं। वो शायद हो सकता है इसलिए दोस्तों, क्योंकि इस बात की अटकलें चल रही है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में पंजाब लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन हो सकता है। इंडिया गठबंधन का हिस्सा दोनों ही पार्टियां हैं, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। ऐसे में गठबंधन होना तय माना जा रहा है। अगर गठबंधन होता है तो बाकी के जितने नेतागण हैं जो पंजाब के हैं, कांग्रेस के खासकर, वो नाराज हो जाएंगे। और नाराजगी के बाद क्या होता है, या आप भली भांति जानते हैं। पार्टी आलाकमान जो कोशिश कर रहा होता है, उन कोशिशों पर पानी फिर जाता है दोस्तों, और जो स्थानीय नेता होते हैं वो काम बिगाड़ते चले जाते हैं। तो राहुल गांधी ने साफ संदेश देने की कोशिश की है कि किसी को भी वो काम बिगाड़ने नहीं देंगे, किसी को भी वो ये जो चुनाव की तैयारी वो कर रहे हैं उस तैयारी में कमी करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। अगर आप 24 को सही मायने में देखेंगे, बीजेपी के सामने अगर लड़ना है, बीजेपी से अगर मुकाबला करना चाहता है इंडिया गठबंधन या विपक्षी दल, तो उनको जितना ज्यादा जनता तक हो सके पहुंचना पड़ेगा, और साथ ही पार्टी को अंदर से मजबूत उनको रखना पड़ेगा, क्योंकि राहुल गांधी जो हैं दोस्तों, दोनों ही मोर्चे संभालते हुए नजर आ रहे हैं, दोनों ही बातों को ध्यान में रखकर चल रहे हैं। लेकिन अगर राहुल गांधी के जैसी सोच या राहुल गांधी के साथ साथ आम जो नेता है, बाकी के जो नेता है, वो ना चले, तो फिर वो दिक्कत वाली बात हो जाएगी। इंडिया गठबंधन को मजबूत होना पड़ेगा, चाहे वो पार्टी के बिहाफ पर हो या पार्टी के अंदर खाने हो, किसी भी तरीके से हो, आपको मजबूत होना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपको सामने भारतीय जनता पार्टी खड़ी है, उनको साम दाम दंड भेद हर तरीके की नीति अपनाती है, चुनाव जीतने के लिए हर तरीके की नीति अपनानी आती है, तो आप उनके सामने तभी टिक पाएंगे जब आप मजबूती से लड़ेंगे। और राहुल गांधी यही संदेश देना चाह रहे हैं दोस्तों। राहुल गांधी के इस बयान पर आपका क्या कहना है, आप क्या सोचते हैं? क्या राहुल गांधी तमाम विपक्षी दलों के साथ साथ अपने दल को भी इस संदेश के जरिए एकजुट कर पाएंगे? अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।